देखो अब हम देखते हैं अबाउट दी लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो। अस्टिलेगो की लाइफ साइकिल हम देखेंगे और उसको डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इजी से इजी वे में, इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगी। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्फेक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये आप मेस का प्लांट अभी देख रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप राइस भी ले सकते हैं, आप वीट भी ले सकते हैं, आप बार्ले भी ले सकते हैं। तो किसी में भी जब ये अस्टिलेगो इन्फेक्शन कॉज करता है वो होस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। वो होस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसमें हमें ये क्या देखने को मिल रहा है, होस्ट में हमें ये यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है, इसके स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ये दीज आर दी स्पोर्स, यहाँ पे जब इन्फेक्शन करेगा अस्टिलेगो ये स्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये स्पोर क्या होंगे, मेनली ये होंगे क्लमाइडो स्पोर। क्या होंगे ये, क्लमाइडो स्पोर्स होंगे, दीज आर दी क्लमाइडो स्पोर। ये क्लमाइडो स्पोर हवा में रिलीज होंगे, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड पे जाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन के आने के टाइम पे ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। इसकी जो एग्जाइन होती है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जाइन क्या होगी, क्लेमेडोस्पोर की एग्जाइन मीन्स आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और बर्स्ट हो जाएगी। वो बर्स्ट होगी तो अंदर की जो लेयर होगी इंटाइन, वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। और ये जब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, इस जर्म ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, प्रोमाइसीरियम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होगा उसका डिविजन होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, इस तरीके से हमें फोर न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेंगे। मियोसिस की प्रोसेस होगी, रिडक्शनल डिवीजन यहाँ पे टेक प्लेस करेगा और फोर बेसिडियल सेल हमें देखने को मिलेगी। क्लेमेडोस्पोर के बाद हमें, क्लेमेडोस्पोर जर्मिनेट करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, बेसिडियम का फॉर्मेशन करता है। ये बेसिडियम बन रहे हैं, ठीक है, ये बेसिडियम का स्ट्रक्चर है पूरा, धीरे धीरे बेसिडियम बनेगा, बेसिडियम से हमें बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब ये बेसिडियोस्पोर से हमें फिर प्राइमरी माइसीलियम देखने को मिलता है, प्राइमरी माइसीलियम से हमें सेकेंडरी माइसिलियम देखने को मिलता है, फिर सेकेंडरी माइसिलियम से हमें इन्फेक्शन जो है होस्ट में देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या बना है यहाँ पे, ये क्या बना हमारा, प्रोमाइसिलियम बना। ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, प्रो माइसिलियम, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमाइसिलियम बोलेंगे। ये हमारे क्या है, बेसिडियल सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियल, दीज आर दी बेसिडियल सेल्स, जिसमें क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये एक बेसिडियल सेल जो हमारे पास फोर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर दिखे हमें, उनमें से दो माइनस स्ट्रेन के होंगे और दो प्लस स्ट्रेन के सेल या न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलेंगे। अब फिर ये क्या करेगा, जो एक सेल है, ये एक जो न्यूक्लियाई है वो तो एक बेसिडियल सेल में ही रहेगा, दूसरा कहाँ चले जाएगा, स्ट्रिगमेटा में चले जाएगा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिगमेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि एक तो बेसिडियल, एक न्यूक्लिया तो बेसिडियल सेल में ही रहेगा और दूसरा माइग्रेट कर जाएगा स्टिग्मेटा के थ्रू, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन जो करेगी सेल उस पे, ठीक है। इसी तरीके से आप हर सेल में देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस यहीं पे प्रेजेंट है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ चला गया है, ये एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लिया यहाँ, दूसरा न्यूक्लिया यहाँ, एक न्यूक्लिया यहाँ, दूसरा न्यूक्लिया यहाँ। अब जब बेसिडियोस्पोर जब रिलीज होने का टाइम आएगा तो ये वाली सेल डिटैच हो जाएगी, ऐसे ये सेल डिटैच हो जाएगी, ये वाली सेल डिटैच हो जाएगी और ये वाली सेल डिटैच हो जाएगी और ये जो है बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। अब बेसिडियोस्पोर क्या करेंगे, जब रिलीज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। जर्मिनेट करने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेसिडियोस्पोर्स हमेशा किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी माइसिलियम का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिडियोस्पोर्स के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। बेसिडियोस्पोर के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी माइसीलियम देखने को मिलेगा और प्राइमरी माइसीलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके थ्रू, जो भी मैंने चार आपको डिफरेंट फोर मेथड्स बताए उनमें से कोई सभी एक मेथड के थ्रू जो प्राइमरी माइसीलियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो जो बेसिडियोस्पोर्स हैं उनमें कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन वो करेंगे। डाइकैरियोटाइजेशन की जो फोर डिफरेंट मेथड्स बताए मैंने आपको, फोर डिफरेंट वेज बताए, उन चारों में से कोई भी एक वे के थ्रू, कोई भी एक मेथड के थ्रू प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होगा और सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होने के बाद वो इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा और इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के बाद वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा होस्ट में इनटू अ न्यू होस्ट, ठीक है। ये थी लाइफ साइकिल
अस्टिलेगो की डायग्रामेटिकली। सबसे पहले इन्फेक्शन है जो प्लांट में, उसमें से क्रोमेटोस्पोर रिलीज होंगे हवा में, वहाँ से वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाएंगे, उसके बाद वो जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, इसके थ्रू जब एक्साइन बर्स्ट हो जाएगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, स्वेलअप होगी और बर्स्ट हो जाएगी और प्रोमाइसिलियम का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि वो जर्मिनेट करिए, प्रोमाइसिलियम का फॉर्मेशन करिए, बेसिडियल सेल बनाएगी, बेसिडियल सेल और बेसिडियम के फॉर्मेशन के बाद बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, वो प्लस स्ट्रेन के भी हो सकते हैं, वो माइनस स्ट्रेन के भी हो सकते हैं, और फिर बेसिडियोस्पोर प्राइमरी माइसिलियम का फॉर्मेशन करेंगे, फिर डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस होगी, सेकेंडरी माइसिलियम का फॉर्मेशन होगा और फिर सेकेंडरी माइसीलियम के में इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा और वो न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। क्लैमाइडोस्पोर बाइन्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, डिप्लॉइड होंगे, और बेसिडियोस्पोर यूनिन्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर होंगे, हैप्लॉइड होंगे, प्राइमरी माइसीलियम में एक ही न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम में, या फिर जब डाइकैरियोटाइजेशन होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम में, हमें दो तरीके का न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो ओवरऑल लाइफ साइकिल है अस्टिलेगो की। और जो अस्टिलेगो की लाइफ साइकिल है, जहाँ पे प्रोमाइसिलियम बनने तक, तो वो पैरासिटिक लाइफ साइकिल हम उसको बोल सकते हैं, एंड देन उसके बाद जब बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, बेसिडियोस्पोर बनते हैं, तो उस फेज को हम सेप्रोफिटिक फेज भी बोलते हैं, या फिर सेप्रोफिटिक लाइफ साइकिल भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो। देखो, अब हम डायग्रामेटिकली तो हमने अस्टिलेगो के लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ लिया है, अब हम एक जो ओवरऑल है उसको हम रिटन फॉर्म में भी देख लेते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें यहाँ से, प्राइमरी माइसीलियम हमारे पास है, प्राइमरी माइसीलियम है तो वो प्लस स्ट्रेन का भी हो सकता है और वो माइनस स्ट्रेन का भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम किससे बन रहा है, बेसिडियोस्पोर से बन रहा है। ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर से क्या बन रहा है, प्राइमरी माइसीलियम बन रहा है। प्राइमरी माइसीलियम क्या करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी माइसीलियम विल ऑलवेज बीन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी माइसीलियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम जो है वो ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है, माइनस स्ट्रेन का जो माइसीलियम है वो मैंने रेड कलर का बनाया है। तो जब डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस होगी, जब सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगा, तो उस पे हमें डाइकैरियोट फेज देखने को मिलेगी। तो वहां पे हमें एक ही सेल में, ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सेल है और इसमें हमें ग्रीन वाला माइसीलियम का न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है और रेड वाले माइसीलियम का भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो ये हमें दिखाता है कि ये न्यूक्लियस क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी सॉरी नॉट न्यूक्लियस, ये माइसीलियम क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम है, जो किसका रिजल्ट है, डाइकैरियोटाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सेकेंडरी माइसीलियम हमारा बन गया। अब सेकेंडरी माइसीलियम से ही हमारा क्या बनने लगेंगे, बाइन्यूक्लिएटेड क्लैमाइडोस्पोर बनने लगेंगे। इनमें फटाफट फटाफट से ऐसे करके यहाँ यहाँ पे से डिवीजन होगा और बाइन्यूक्लिएटेड क्लैमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। बाइन्यूक्लिएटेड क्लैमाइडोस्पोर आप देख रहे हैं, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस भी इसमें है, रेड कलर का न्यूक्लियस भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, बाइन्यूक्लिएटेड क्लैमाइडोस्पोर है। बायन्यूक्लिएटेड क्लैमाइडोस्पोर कुछ टाइम तक एयर में रहेगा, फिर वो रेस्टिंग पीरियड में आएगा, जब उसका जर्मिनेशन का टाइम होगा तब उस पर क्या हो जाएगी, कैरियोगेमी होगी, यानी कि ये फ्यूजन हो गया, इसमें दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, अब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, क्लैमाइडोस्पोर मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होगा और उसके बाद वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जब क्लैमाइडोस्पोर जर्मिनेट करता है तो उसके न्यूक्लियस, जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, उसका रिडक्शनल डिविजन होगा, वन न्यूक्लियस से फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। ये आपको यहाँ पे चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, दो क्या होंगे, माइनस स्ट्रेन के होंगे और दो प्लस स्ट्रेन के होंगे, ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और जब क्लैमाइडोस्पोर जर्मिनेट होगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। इस जर्म ट्यूब को हम बोलते हैं प्रोमाइसीलियम। जब क्लैमाइडोस्पोर से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमाइसीलियम, या फिर बेसिडियम भी हम उसको बोल सकते हैं। प्रोमाइसीलियम और बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो एक ये न्यूक्लियस है ये एक बेसिडियल सेल में रहेगा और दूसरा कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, एज अ बेसिडियोस्पोर माइग्रेट कर जाएगा बेसिडियल सेल की दूसरी सेल में। ठीक है, थ्रू द स्ट्रिग्मेटा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, ये स्ट्रिग्मेटा है। ठीक है, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर ये किस में की तरह बिहेव करेगा, एज अ बेसिडियोस्पोर की तरह बिहेव करेगा और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा और किस में, किसकी तरह फंक्शन करेगा, एज ए बेसिडियोस्पोर की तरह फंक्शन करेगा, वो एयर में रिलीज होगा और फिर बेसिडियोस्पोर जहाँ पे भी जाएगा, किसी भी होस्ट पे जाएगा, तो
क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, प्राइमरी माइसिलियम का फॉर्मेशन करेगा और फिर वापस से क्या करेगा, डाइकैरियोटाइजेशन होगा, फिर डिप्लॉयड, फिर बाइन्यूक्लियेटेड क्लोमैटोस्पोर बनेगा, फिर जर्मिनेशन होगा क्लोमैटोस्पोर का, फिर प्रोमाइसीलियम बनेगा, देन फिर से बेसिडियोस्पोर बनेगा। इसी तरीके से पूरी लाइफ साइकिल क्या होगी क्लोमैटोस्पोर की, सॉरी एस्टिलेगो की कंप्लीट होगी। और एस्टिलेगो की लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या फेज देखने को मिलती है, थ्री फेजेस हमें देखने को मिलती है एस्टिलेगो की लाइफ साइकिल में। द फर्स्ट वन इज हैप्लोफेज, हैप्लोफेज यानी कि वहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एन नंबर। देन सेकेंड डाई कैरियो फेज हमें देखने को मिलेगी, डाई मीन्स मैंने पहले भी बताया टू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस अगर एक ही सेल में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलते हैं डाई कैरियो फेज। ये देख रहे हो आप, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट है तो वो हो गया डाई कैरियो फेज, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट है डाई कैरियो फेज। डाई कैरियो फेज भी हमें एस्टिलेगो की लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगी और डिप्लो फेज भी देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ पे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन डाइकैरियो फेज एंड डिप्लो फेज मस्ट बी क्लियर, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आपको डाइकैरियो फेज और डिप्लो फेज के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो थी एस्टिलेगो की लाइफ साइकिल, जो मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक तो थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एस्टिलेगो। आई होप आप लोगों को एस्टिलेगो की लाइफ साइकिल क्लियरली समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में, कॉमन से कॉमन मेथड से, जितना हो सकता है फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस के थ्रू कुछ समझ में आ रहा है, मेरी वीडियोस से आप लोग नॉलेज ले रहे हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, या आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो वो भी आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अपना ही पढ़ते हैं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा नंबर बढ़े। जैसे 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 नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आगे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, कुछ भी वो हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो अभी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए और कुछ ना कुछ मुझे भी सिखाते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।